राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए घर घर औषधि योजना की शुरुआत की। इस योजना के अंतर्गत घर घर में आयुर्वेदिक पौधे पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इस मौके पर चित्तौड़गढ़ कलेक्ट्रेट परिसर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला कलेक्टर, सभापति नगर परिषद और DFO समेत कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि जिले में प्रथम चरण में लगभग 2 लाख से अधिक पौधों के वितरण का लक्ष्य रखा गया है। आज जो घर घर औषधि योजना की माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो घोषणा की गई है, वो उसकी जो शुरुआत की गई है राज्य स्तर पे, और उसका अभी जिले में अभी आज तक के ब्लॉक से और जिलों में पौध वितरण का आगाज किया जाएगा। इसमें एक साल के लिए जो है जिले के 50% परिवारों को, यानी 1,63,751 परिवारों को चार औषधि प्रजातियाँ, तुलसी, अश्वगंधा, कालमेघ और गिलोय, उनके दो दो पौधे, यानी कुल 8 पौधे प्रति परिवार निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब इसी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे, उस समय जो सबसे पहले उन्होंने अभियान शुरू किया था वो स्वच्छ राजस्थान अभियान शुरू किया था। उस वक्त तो देश में कोरोना के हालात भी नहीं थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जो दूरदृष्टि रखते हुए अभियान ये किया कि भाई अगर राजस्थान का हर व्यक्ति स्वस्थ होगा, उस समय मुझे याद है मुख्यमंत्री जी ने फरमाया था कि हर व्यक्ति बीमार होने के बाद हॉस्पिटल में जाता है, हम ऐसा प्रयास करें कि हम बीमारी नहीं होंगे। उसके लिए पूरे दिनचर्या में कैसे परिवर्तन करना है, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अभी कोरोना में भी सरकार ने सीख ली और आम आदमी ने सीख ली कि हमें हमारी इम्यूनिटी जो है, प्रतिरोधक क्षमता रोगों से लड़ने की, वो हमें मजबूत करनी है।